इक्तदार की मुंतकली की जानी बाहम संगे मिल 358 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने अराकीन से हल्फ लिया। पंजाब असम्बली के नए ऐवान में सबसे ज्यादा पीटीआई अरकान की तादाद 175 है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद पंजाब असम्बली में 162, मुस्लिम लीग काफ की 10 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 10, राय हक पार्टी का 1 रुकन और 3 आज़ाद अराकीन शामिल थे। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में जो आज हल्फ के लिए इजलास बुलाया गया था उसकी इब्तदाई कार्रवाई जो है वो जारी है इस वक्त, और नौ मुंतखब अरकान से स्पीकर पंजाब असम्बली राणा मोहम्मद इकबाल ने हल्फ ले लिया है। अगर हल्फ उठाने वालों में नुमाया शख्सियात का जिक्र किया जाए तो उनमें चौधरी फजलाई, हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, हलीम खान ने आज हल्फ उठाया है। डॉक्टर यासमी राशिद, सलमान रफीक, आयशा चौधरी, चौधरी जहीरुद्दीन ने भी आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बिलाल यासमीन, नदीम कामरान, अरफान दौलताना भी हल्फ उठाने वाले में शामिल है। मियां महमूद रशीद, मंशाला भट्ट, डॉक्टर मुराद दास, डॉक्टर मुख्तार भरत जो है उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है। एक मियाँ बीवी जोड़ा जो है जो मुस्लिम नून से ताल्लुक रखते हैं जिनमें उज्मा बुखारी और समीउल्लाह खान, इन दोनों मियां बीवी ने भी हल्फ उठा लिया है। जकिया शाहनवाज, सीना परवेज भट्ट, अंजुम बुशरा अंजुम भट्ट और सानिया आशिक ने भी हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने के बाद स्पीकर ने जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल करके जमा करवाए जा सकेंगे। जी जी मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया है। शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। इक्तदार की मुंतकली की जानी बहम संगे मिल 358 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने अराकीन से हल्फ लिया और पंजाब असम्बली के नए ऐवान में सबसे ज्यादा तादाद पीटीआई की थी। आप टीवी स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। आज 358 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया है और स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने अराकीन से हल्फ लिया। पंजाब असम्बली के नए ऐवान में सबसे ज्यादा पीटीआई अरकान की तादाद 175 है।